जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले, आज आपको सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है, वाहन इत्यादि से भी और अपने स्वास्थ्य को लेकर। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आपको आज के दिन शत्रुओं से परास्त रहने के योग बन रहे हैं एवं घर से परिवार मित्रों से अच्छे संबंध भी रहेंगे। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं और आप पन्ना नामक रत्न धारण करें। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन किसी व्यापार काम से संबंधित आप इधर उधर कहीं जा सकते हैं, तीर्थ क्षेत्र में अथवा अपने जिला गांव प्रदेश को छोड़कर के अन्यत्र प्रदेश में। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय होगा, किंतु आपको चक्षु माने आँख हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी होने की स्थिति हो सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले, आपका राशिस स्वामी बुध है। आप पन्ना रत्न धारण करें एवं भगवान गणेश जी की आराधना करें। भगवान गणेश को रक्त पुष्प, लड्डू, केले का भोग एवं दूर्वा चलाने का प्रयास करें, जो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन अचानक से धन प्राप्ति का योग हो सकता है, अटका हुआ काम भी आपका बन सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आप जमीन जायदाद का काम करते हैं तो आपको आज धन प्राप्त हो सकता है, क्रय विक्रय का योग बन रहा है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन माता पिता, पत्नी से, बच्चों से अच्छे संबंध रहेंगे एवं कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपके ऊपर शनि साढ़े साती महादशा, जो कि पैरों की ओर है, लास्ट की ओर है, इसलिए आप ओम प्राम प्रीम ब्रूम सम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का जप करें, नीलम रत्न धारण करें। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आप आज कोई भी दुकान, फैक्ट्री, मकान का काम शुरू करेंगे तो भाग्य का उदय हो सकता है, आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, पुखराज नामक रत्न धारण करें, क्योंकि आप आज के दिन आपका कोई अटका हुआ काम अटका ही रह सकता है, इसलिए आप अपने कार्य को साधन साधने के लिए पुखराज नामक रत्न धारण करें, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।